हेलो माय सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है बोरेक्स। मैं आपको बताऊँगी कि आप इस मेडिसिन को कौन कौन सी कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या है और कौन कौन सी डोज में आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोरेक्स एक मिनरल किंगडम की मेडिसिन है और कॉमनली इसे कहा जाता है बोरेट ऑफ सोडियम। अब मैं आपको इसका यूज़ बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन से बीमारियों में आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसा देखा जाता है कि अगर किसी पर्सन को आर्थराइटिस की कंप्लेन रहती है, उन्हें बोन्स में पेन रहता हो, उन्हें रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारी है, तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। बोरेक्स में एंटी इन्फ्लामेटरी पावर होता है जिसके वजह से ये किसी भी तरीके के जॉइंट पेन को ठीक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को अल्सर की कंप्लेन रहती है, उनको माउथ में अल्सर होता हो या फिर उन्हें स्वॉलन थ्रॉट की कंप्लेन हो, तो ऐसी कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को टंग में अल्सर होता हो या फिर उन्हें बार बार फंगल इन्फेक्शन होता हो माउथ के अंदर, जिसे हम लोग कॉमनली थ्रश कहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। बोरेक्स मेडिसिन का यूज़ आप रेड आइज़ जैसी कंडीशन में भी कर सकते हैं। किसी पर्सन को अगर आइज़ में खुजली होती हो, उन्हें जलन होती हो, उनके आँखों से आंसू आते हो, रेडनेस रहती हो, तो ऐसी कंडीशन में आप बोरेक्स मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। बोरेक्स मेडिसिन किसी भी तरीके के पैरासाइटिक या फिर फंगल इन्फेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। बोरेक्स मेडिसिन को मेंसेस से रिलेटेड कंप्लेंट्स के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। अगर किसी फीमेल को इरेगुलर मेंसेस की कंप्लेंट रहती हो या फिर उन्हें डिसमेनोरिया की प्रॉब्लम हो जिसमें फीमेल को बहुत ही ज़्यादा पेन होने लग जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ऐसा देखा जाता है कि बोरेक्स मेडिसिन PCOS जैसी कंडीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके अलावा इस मेडिसिन को आप एमेनोरिया जैसी कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी फीमेल का मेंसेस बिल्कुल ही एब्सेंट हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। बोरेक्स मेडिसिन का यूज़ वो फीमेल भी कर सकती है जिन्हें मेनोपॉज हो चुका है, जिनके मेंसेस ओवर हो चुके हैं, उसके बाद उन्हें जो सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखा जाता है कि जो मेनोपॉजल वुमेन होती है, उनमें नाइट के टाइम में उन्हें स्वेटिंग होने लग जाती है, उन्हें हॉट फ्लैशेस की कंप्लेंट रहती है, तो ऐसी फीमेल इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब फीमेल की एज बढ़ती है तो उनमें काफ़ी सारे हार्मोनल कंप्लेंट्स होने लग जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। बोरेक्स मेडिसिन का यूज़ आप यूरिनरी कंप्लेंट के लिए भी कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन को फ्रीक्वेंटली यूरिनरी इन्फेक्शन होता रहता है, उन्हें UTI की कंप्लेंट रहती हो, बार बार होता हो, तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सिस्टाइटिस जैसी कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। सिस्टाइटिस का मतलब है अगर किसी पर्सन के ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाए, तो उस कंडीशन को हम लोग सिस्टाइटिस कहते हैं, तो उस सिचुएशन में भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। बोरेक्स मेडिसिन का यूज़ आप किडनी स्टोन जैसी कंडीशन के लिए भी कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बोरेक्स मेडिसिन का यूज़ आप हार्मोनल प्रॉब्लम के लिए कर सकते हैं। अगर किसी मेल के हार्मोन्स कम होते जा रहे हैं, उनके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, तो ऐसे मेल्स इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इस मेडिसिन के यूज़ की वजह से आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बढ़ने लग जाएगा। इसके अलावा अगर किसी फीमेल को सेक्सुअल डिज़ायर बिल्कुल भी फील नहीं होती हो, उनका लैक ऑफ लिबिडो की कंप्लेन है, तो ऐसी फीमेल्स भी इस मेडिसिन का यूज़ कर सकती है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि बोरेक्स मेडिसिन को आप कौन कौन से डोज में यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस मेडिसिन को 30-200 पोटेंसी या फिर 1 mg पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस मेडिसिन को 30 पोटेंसी में यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इसको दिन में दो बार ले सकते हैं, 4-4 ड्रॉप डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर, या फिर आप इस मेडिसिन को 200 पोटेंसी में भी ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था बोरेक्स होम्योपैथिक मेडिसिन। मैंने आपको बता दिया कि आप इसे कौन कौन सी कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, कौन से डोज में आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।